एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं, पर बेटे को भेजा, जा 10,000 कमा के ला, और सुनो हमारे इस क्षेत्र से नहीं बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया, बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी, क्या नहीं करना पड़ेगा। उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उससे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा, जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा, आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं, आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है, इसलिए इस फैक्ट्री में जो हजार मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा, क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं, ये परिवार चलाने के लिए 10,000 की नौकरी कर रहे हैं बेचारे, किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब, उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को सही, क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं, क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं, आप अपने बच्चों को इतना संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक, मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब, मैंने एक रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं, मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती।